योग का बेहद महत्व है और योग में सूर्य मुद्रा का बहुत महत्व है। मुद्राएं करने से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक लाभ होते हैं। ऐसे ही एक लाभदायक मुद्रा है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा को लोग अग्नि मुद्रा भी पुकारते हैं। मोटापा व डायबिटीज आदि समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए इस मुद्रा का अभ्यास बेहद फायदेमंद होता है। सूर्य मुद्रा करने के लिए सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें और हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। आप पहले अनामिका उंगली, अनामिका उंगली आपके रिंग फिंगर को कहा जाता है, को मोड़ कर अंगूठे की जड़ में छुएं और अंगूठे से इसे दबा लें। ऐसे में आपकी बाकी बची हुई तीनों उंगलियों को बिल्कुल सीधी रखें। इस प्रकार बनने वाली मुद्रा को अग्नि या सूर्य मुद्रा कहा जाता है। दिन में 2 बार 15 मिनट के लिए सूर्य मुद्रा का अभ्यास करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। शरीर में सूजन होने पर भी सूर्य मुद्रा करने से यह रोग दूर हो जाता है। सूर्य मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से शरीर में बल पैदा होता है और पेट के रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही इसके अभ्यास से मानसिक तनाव दूर होता है और भय, शोक आदि दूर होते हैं। सूर्य मुद्रा करने से वजन भी कम होता है। मोटापे से पीड़ित लोगों को अपना अतिरिक्त वजन कम करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। खास तौर पर प्रसव के बाद जिन महिलाओं में मोटापा बढ़ जाता है, उनके लिए सूर्य मुद्रा बेहद फायदेमंद होती है, क्योंकि इस मुद्रा के अभ्यास से पाचन प्रणाली बेहतर बनती है। प्यारे दोस्तों, कब ना करें सूर्य मुद्रा। एसिडिटी और अम्लपित्त की समस्या होने पर यह मुद्रा ना करें। शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो तो भी आपको सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सूर्य मुद्रा करने से शरीर का ताप बढ़ता है, इसलिए गर्मियों में इस मुद्रा को करने से पहले आप थोड़ा पानी अवश्य पी लीजिए। आमतौर पर योगा अभ्यास खाली पेट किया जाता है, लेकिन सूर्य मुद्रा को आप कुछ खाने के बाद 10 मिनट के अंतराल पर भी कर सकते हैं।